Release date tay hai, yes. 25th January. Release date tay hai, yes. 25th January. Usin do aur film mein release ho rahi hai, kitna competitive, aapko lagta hai ki cancel ho gaya na? I think, I don't think any of the films coming on that day, but even if it's our 25th, our film as we said is belongs to that particular date, given the sentiments on that, that we don't know. But it's a big holiday, and for us it's important that the relevance of the subject is with something to do with, you know, either Republic Day or Independence Day. Like I said, I'm really unwell today, so I'll take your leave. But hum log jo hai promo launch karenge December mein sometime, and we really hope that you guys like it. Thank you so much for coming. आप true झांसी की रानी बन गई हैं, मतलब जिस तरह से आपने स्वतंत्रता, मतलब पूरे समाज को स्वतंत्रता से दिलाने की सोची है. जो समाज पूरे देश को एक नई आजादी दिलाने के लिए यू सही में झांसी की रानी बनना, इस पे आप कुछ कहिए. देखिए हर एक मैं भी आज सोच रही थी कि आज मुझसे सुमित नहीं, थैंक यू वेरी मच, सुमित मुझसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा. हर एक की अपनी अपनी लाइफ होती है. आई थिंक हर लाइफ वॉज वेरी ट्रैजिक. उसकी ज़िंदगी में इतना संघर्ष था, महारानी लक्ष्मीबाई की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष था. इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लाइफ यू विल विश अपॉन एनीबडी दैट यू लाइक और एनीबडी दैट यू लव. एंड द सेम विद माई लाइफ, आई वुडंट वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू हैव द काइंड ऑफ लाइफ आई हैव हैड और आई एम हैविंग. आई डोंट नो वाई, बट आई हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग. आई हैव टू फाइट फॉर लिटरली एवरीथिंग सिंस आई एम बॉर्न. वो सिमिलैरिटी तो है, मतलब बिना लड़ाई के मुझे कुछ मिलता ही नहीं है. सो दैट्स फाइन, बट इफ़ यू आस्क मी, आई एम नीदर प्राउड नॉर अशेम्ड. आई एम जस्ट ओके विद द वे माई लाइफ इज. बट इफ यू आस्क मी डू आई वॉन्ट दिस फॉर माई चिल्ड्रेन, डू आई वॉन्ट दिस फॉर एनी वन हु आई लव, नो. थैंक यू. I've got really high fever, but मेरी टीम इतनी स्पिरिटेड है. आज उन्होंने हम लोगों के लिए एक रैप अप पार्टी रखी है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन. बट इफ यू आस्क मी, आई एम डाउन विद फीवर. फिल्म अब कम्प्लीट हो गई है, कई चीज़ें अड़चने आई और कई मुश्किल आई जी, उनको पार करते हुए अब ये आ रही है फिल्म, उसके बारे में कुछ बताएं आप. वेल, हर फिल्म की एक अपनी जर्नी होती है और इस फिल्म की भी अपनी जर्नी है. इट्स ट्रू के शुरू में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है और तभी हम लोगों को आज सेलिब्रेशन करने का इतना मन कर रहा है, क्योंकि वी ऑल स्ट्रगल अ लॉट टू कम्प्लीट दिस प्रोजेक्ट. एंड मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इट वॉज़ वेरी एक्सीडेंटल दैट आई हैड टू डायरेक्ट द फिल्म इवेंचुअली. बट वेन इट हैपन्ड आई वॉज टेकन अ बैक, बट जब मैं प्रोसेस में गई तो मुझे बहुत मज़ा आया. वेल, कई तरह के, जब आप फिल्म डायरेक्ट करते हैं और भी एक्टर्स के कॉम्बिनेशन डेट्स मुझे नहीं मिल रहे थे. कईयों के लिए हम लोगों ने चार्टर्स तक भेजे, इतने हर एक चीज़ की अपनी अपनी कहानी है. पर इवेंचुअली इफ यू आस्क मी, इट्स बीन एब्सोल्युटली ग्रेटिफाइंग टू बी डायरेक्टिंग. एक मिनट, प्लीज. बूम बूम पीछे इधर देखे ना मैम.
मैं सामने में कंगना जी थैंक यू सो मच।